साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ हमारी संस्कृति और विरासत को सेलिब्रेट करने का भी अवसर है, क्योंकि आजादी के लिए भारत का संघर्ष केवल एक सीमित कालखंड की घटना नहीं है। इसके पीछे हजारों साल की चेतना और आदर्श जुड़ी थी। इसके पीछे आध्यात्मिक मूल्य और कितने ही तप त्याग जुड़े हुए थे। इसलिए आज देश जब एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाता है, तो साथ ही लाल किले पर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी मनाता है। श्री अकाल गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के पहले हमने गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व भी पूरी श्रद्धा के साथ देश विदेश में मनाया था। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व का सौभाग्य भी हमें ही मिला था। साथियों, इसके साथ ही इसी कालखंड में करतारपुर साहब कॉरिडोर का निर्माण भी हुआ। आज लाखों श्रद्धालुओं को वहां शीश नवाने का सौभाग्य मिल रहा है। लंगर को टैक्स फ्री करने से लेकर हरमिंदर साहब को एफसीआरए की अनुमति तक, गुरुद्वारों के आसपास स्वच्छता बढ़ाने के लेकर उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने तक देश आज हर संभव प्रयास कर रहा है। और मैं सतनाम जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने जिस प्रकार से वीडियो को संकलित करके दिखाया, पता चल सकता है कि पूरी श्रद्धा के साथ हर क्षेत्र में किस प्रकार से काम हुआ है। आप लोगों से समय समय पर जो सुझाव मिलते हैं, आज भी काफी सुझाव मेरे पास आपने दिए हैं, मेरा प्रयास रहता है कि उनके आधार पर देश सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे।